नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कल दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ठाणे से स्वागत के लिए हजारों की संख्या में ट्रेन के जरिए रवाना हुए शिव सैनिक। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या जाएंगे एकनाथ शिंदे। अयोध्या दौरे से पहले सीएम के स्वागत में लगे पोस्टर। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कर सकते हैं मुलाकात। अयोध्या के राम मंदिर में रविवार को पूजा करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। सरयू नदी के तट पर आरती का भी है प्रोग्राम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ निर्दलीय विधायक रवि राणा भी जाएंगे अयोध्या। अमरावती में तैयार किए जा रहे हनुमान मंदिर के लिए लाएंगे हनुमान गढ़ी की मिट्टी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती। कहा, खुद को असली मर्द समझते हैं तो चुनाव में उतरे शिंदे फडणवीस। सांसद संजय राउत ने फिर किया दावा। कहा, सरकार बनाने को लेकर उद्धव के सामने 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमत हुए थे अमित शाह, लेकिन बाद में अपनी जुबान से पलटे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र। पत्र के जरिए की नीट परीक्षा की तारीख बढ़ाने की अपील। शिरडी की एयरपोर्ट पर शुरू होगी नाइट लैंडिंग की व्यवस्था। कल रात दिल्ली से आने वाला एयर इंडिगो का पहला विमान शिरडी में होगा लैंड। मुंबई के मढ़ इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर चला मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर। बीजेपी की सोमैया की शिकायत पर हुई कार्रवाई। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दूध की सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर कैबिनेट मंत्री विखे पाटिल ने दिया जवाब। कहा, आयात होने से किसानों को नहीं होगा नुकसान, दुग्ध उत्पादकों में न फैलाए भ्रम। मुंबई को ठाणे से जोड़ने वाली मेट्रो 4 और 4A के काम को मिलेगी रफ्तार। जर्मन बैंक देगा 4,189 करोड़ रुपए का कर्ज। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट यानी म्हाडा ने मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर और संभाजीनगर समेत कई शहरों में 12,724 घर बनाने का लिया फैसला। घरों के निर्माण 5,800 करोड़ रुपए का बजट में किया प्रावधान। ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत पर साधा निशाना। कहा, राउत को बाला साहेब ठाकरे के कार्टून की तरह देखती है महाराष्ट्र की जनता। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फिर बोला हमला। कहा, बाला साहेब ठाकरे ने 56 साल तक कड़ी मेहनत कर शिवसेना को खड़ा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को मिट्टी में मिलाया। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। मॉडल को एक रात के लिए मिलते थे करीब 3 लाख रुपए। रैकेट में शामिल 5 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए 6,050 कोरोना नए मामले। बीते दिन से 13% बढ़े नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक। कहा, सतर्क रहना है लेकिन डरने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 803 नए केस आए सामने। 3 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के दर्ज हुए 216 नए केस। 1 मरीज की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी हुआ इजाफा। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू। 10 और 11 अप्रैल को होगी देशव्यापी मॉकड्रिल। हर सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की होगी जाँच। आईआईटी साइंटिस्ट का बड़ा दावा। भारत में मई महीने में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। 20,000 से ज्यादा दैनिक केस आने का लगाया अनुमान। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे केस में आरोपी सिंगर समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार। अभिनेत्री की मां ने समर सिंह पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। एनसीईआरटी बोर्ड के सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटाने पर एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने ट्वीट कर की फैसले की आलोचना। कहा, 100 पीढ़ियों के बाद भी नहीं मिटेगा गांधी का इतिहास। महाराष्ट्र के कई इलाकों में फिर हुई बेमौसम बरसात। मुंबई, अमरावती और वाशिम जिले के कई इलाकों में हवाओं के साथ हुई बारिश। मुंबई में सोने और चांदी की कीमतों में हुए बदलाव। 110 रुपए बढ़ोतरी के बाद सोना 60,870 रुपए प्रति तोला पहुंचा, तो वहीं 110 रुपए गिरावट के बाद चांदी 77,600 रुपए प्रति किलो हुआ।